वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए चैप्टर में आ गए हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 मैथ्स के कैलकुलस का। इस पर बेस्ड दो और भी चैप्टर्स आगे आने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से बनाना है। लेकिन इसको बनाने से पहले डिफरेंशिएशन आपको मैंने बहुत देर तक पढ़ाया है, आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा। चलिए सबसे पहले इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो लिखेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है कौन सा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के ना दो पार्ट्स हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार। इनडेफिनिट है और क्या है डेफिनिट। तो हम लोग पहले क्या पढ़ने वाले हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन के थे वो मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले, जो आपको याद रखना है। जैसे कि x टू दी पावर n, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसका फॉर्मूला x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। और आपको क्या ऐड करना है, c। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा क्या ऐड करना है, c। c जो है इसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या फिर आप बहुत जगह इसको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी लिखा हुआ देखेंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आप इसे लिखा हुआ देखेंगे, या फिर पैरामीटर भी। आज सिंपली मैं चल रहा हूँ, काम की बातें कर रहा हूँ बिल्कुल। और अगर आप दूसरा फॉर्मूला ले लें dx का इंटीग्रेशन, आप देखिए ये इंटीग्रेशन है और d किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन को। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। इसलिए ये d इस इंटीग्रेशन के साइन को अगर कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा, x प्लस c। तो अगर आपको कहीं पे इंटीग्रेशन ऑफ dt मिलता है तो आप क्या लिखोगे, t प्लस c। समझ आ रही बात, dt मिलेगा तो क्या लिखेंगे आप, t प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ऐसे ही और भी है फॉर्मूला बेसिक, जैसे e टू द पावर x, इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c, a टू द पावर x, a टू द पावर x बाय log a प्लस c, 1 by x, इसका क्या होगा, log x plus c। जैसे log x का differentiation 1 by x, तो 1 by x का integration log x। इसके बाद trigonometry पर आइए, sin x का integration minus cos x, cos x का integration sin x, उल्टा हो गया ना, याद है cos x का differentiation minus sin x होता है, sin x का integration minus cos x, cos x का sin x। इसके बाद 8 पर आ जाते हैं, sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x प्लस c। इसके बाद sec x इंटू tan x, इसका क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। फिर हम आ जाते हैं cos x स्क्वायर x पर, माइनस cot x प्लस c। फिर आ जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी। ये 11 फॉर्मूलाज हो गए, और भी ले लेते हैं, जैसे डी एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और देखिए यहां पर जो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ये 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखा मैंने, साइन है, साइन इनवर्स है। जैसे आप यहां समझ लें कि 1 है और dx यहां पर है मान, तभी भी आप समझ सकते हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहीं माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका रिजल्ट आप क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स एक्स। अगर आप 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, टैन इनवर्स एक्स। अगर आप माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स एक्स। इस तरीके से अगर हम 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। माइनस 1 बाय एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन में यूज आने वाला है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूलाज है आपको याद रहने चाहिए, आप इनको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले या इसे नोट कर लें, फिर मैं स्टार्ट करता हूं इसके बेसिक्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नोट कीजिए।
तो आपने फॉर्मूला लिख लिया है ना। चलते हैं आगे अपन लोग। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं ब्रीफली, हल्का सा, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड, एंटी डेरिवेटिव यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। अब ये इंस्पेक्शन मेथड क्या है, थोड़ा बेकार सा मेथड है, देख लो फिर भी बता देते हैं। कि मान लो जैसे आपको बोला एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव निकालो यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड, तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेट करो, लेकिन मेथड अलग है, इसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन का यूज होगा। जैसे आप लिखोगे कि सिंस वी नो दैट डी एक्स क्यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पर क्या आता है, या यू समझो कि किसको डिफरेंशिएट करने पर एक्स स्क्वायर आता है ये पता करना। एंटी डेरिवेटिव मैंने किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये हमें पता। तो एक्स स्क्वायर का तो हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर आएगा। तो बस करना कुछ नहीं होता है, इस थ्री को लेके आओ इस तरफ, वन बाय थ्री डी एक्स क्यू बाय डी एक्स लिख सकते हैं ऐसा कॉन्स्टेंट बाहर। और आपको याद होगा कि ये हमने आपको बताया है कि कॉन्स्टेंट रहता है तो कॉन्स्टेंट कहां लिखा जाता है, बाहर। तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि कॉन्स्टेंट बाहर आ सकता है तो अंदर भी तो लिख सकते हैं। ओवरऑल ये समझ में आया कि जब हम एक्स क्यू बाय थ्री को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो रिजल्ट में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। और हमें यही मालूम करना था कि किसे डिफरेंशिएट करने पर एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये रिजल्ट मिल गया है हमें। तो हम यहां लिख देंगे देयरफोर 1 बाय 3 एक्स क्यू इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी एक दो क्वेश्चन बता देते हैं। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिल गया साइन 2x, कि साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालो इंस्पेक्शन मेथड से। तो साइन 2x का तो नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन इतना जरूर हमें डिफरेंशिएशन बना के आइडिया हो गया है कि cos 2x को डिफरेंशिएट करने पे कहीं ना कहीं sin 2x भी आता है। तो हम क्या लिख रहे हैं कि सिंस cos 2x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो याद होगा आपको पहले cos हटेगा तो क्या आएगा माइनस sin 2x, और फिर 2x को बनाएंगे तो क्या आएगा इनटू 2। अब जैसा कि आपको यहां सिखाया कि जिसका एंटी डेरिवेटिव पूछा उसको आप यहां पे छोड़ो और बाकी सबको इधर लेके आ जाओ, तो यहां किसका एंटी डेरिवेटिव पूछा हमें से sin 2x, sin 2x को यहां छोड़ेंगे, एक्स्ट्रा कौन बचता माइनस और 2, ये दोनों को इधर लेके आइए माइनस 1 बाय 2 डी ऑफ कॉस 2x बाय डी एक्स इक्वल टू साइन 2x। इसे लिख सकते हैं माइनस 1 बाय 2 कॉस 2x बाय डी एक्स इक्वल टू साइन 2x। जैसा कि यहां मैंने कांस्टेंट को अंदर लिया वैसे मैंने यहां भी कांस्टेंट को अंदर लिख लिया, क्योंकि हमें यह पता करना है कि साइन 2x किसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा, ओनली साइन 2x। तो हमें तो sin 2x का नहीं पता था एक्चुअली, तो हमने क्या किया cos 2x के हिसाब से बनाया, और जब हम बनाए तो हमने क्या देखा कि माइनस 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा को हम इधर लेकर क्या आ गए अंदर लिख दिए। क्या लिखेंगे आंसर, माइनस 1 बाय 2 cos 2x इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। ठीक, तो ये हो गया आपका इंस्पेक्शन मेथड एंटी डेरिवेटिव निकालने का। इस पर मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, हमें काम का चीज बारे में पढ़ना है इंटीग्रेशन। चलिए उस तक चलते हैं, एक बार इसको नोट कीजिए, स्क्रीन पॉज करें। अब चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चंस की तरफ। ओरिजिनल क्वेश्चन में मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि क्या क्या बेसिक्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मैं आज के क्लास में सिर्फ बेसिक बताऊंगा, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। और अगर इन बेसिक के बेसिस पर अगर आप कुछ सॉल्व करना चाहें तो आप अपने पहले एनसीईआरटी बुक से 7.1 सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आज से बेसिक क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, आज के बेसिक को ठीक से एक दो बार देखिए समझिए याद रखिए, तब अगले क्लास से क्वेश्चन होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि इंटीग्रेट करने के लिए ना क्या करना पड़ता है, आपको ऐसा लिखना चाहिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिए 1 बाय एक्स डी एक्स, तो आप इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं लॉग एक्स प्लस सी।
तो आपको मैंने भी सिर्फ इतना सिखाया कि i लिखा जाता है, जैसे बोला ना कि 1 by x को इंटीग्रेट करो, तो हमें क्या लिखना है सबको, लेट i इज इक्वल टू, क्वेश्चन बोला 1 by x को आप इंटीग्रेट करो, तो हमें कैसे प्रेजेंटेशन देना है, लेट i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का आपको साइन लगाना है, इसे लिखना है, और ये जो हमारा है ना 1 by x, इसे कहा जाता है इंटीग्रैंड, क्या कहा जाता है इंटीग्रैंड, जिसको इंटीग्रेट करना है वो मेरा इंटीग्रैंड है, और डी के साथ जो लिखा है ना ये हमारा मेन वेरिएबल है, ठीक है, बाकी सब क्या होगा कांस्टेंट, जैसे आप देखो i इज इक्वल टू x टू द पावर 5 dx, क्या पढ़ेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 dx, तो ये किस फॉर्मूला पर है, x टू द पावर n, यहां n की जगह कौन है 5, तो क्या होगा हमारे पास 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1, और प्लस क्या लगाएंगे c, दो बातों का ध्यान जरूर रखें, एक इंटीग्रेट जब कर दें तो इंटीग्रेशन का साइन हटा दें, साथ में ना लगा दें, दूसरा जैसे ही कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाए आपको क्या ऐड कर देना है c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, रिजल्ट क्या हो जाएगा x टू द पावर 6 बाय 6 प्लस c, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर मान लीजिए 3x टू द पावर 2 है, dx से ये क्वेश्चन मिला आपको, तो ये 3 तो कांस्टेंट है, जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आता था वैसे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर आता है, 3 बाहर आ गया x2 dx, अब आप यही वाला सिस्टम लगाएंगे क्या होगा x cube by 3 plus c, क्यों कैसे आया 2 plus 1 by 2 plus 1 cancel, final answer क्या होगा x cube plus c, मैं सिर्फ basics बताने के basic आपको बता रहा हूँ, तो ये छोटे छोटे questions आपको समझ में आने चाहिए, अगर मान लीजिए question आ गया 7x या 7 है सिर्फ 7 को integrate करना, आपको कहा कि भाई 7 को integrate करो, constant है ये question है, कैसे लिखोगे let i is equal to 7 dx और क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना हो तो 7 कांस्टेंट है ना, तो 7 तो बाहर है लेकिन dx कहां रहे अंदर, और यहां पे इंटीग्रेशन का भी जीरो नहीं आता क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंक्रीज करना, क्या रिजल्ट होगा dx का इंटीग्रेशन x plus c, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो ये छोटे-छोटे इंटीग्रेशंस हैं, अब मैं कंबाइन कर रहा हूं क्वेश्चन को, देखिए और कुछ रूल्स वो भी बता देते हैं, बेसिक ये बेसिक याद रखेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, तो आज सिर्फ बेसिक, बिल्कुल छोटा सा क्लास आज बेसिक आपको बता रहे हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है ना, चलो अगर देखो मान लो कि आपको 1 बाय x मिला, अच्छा ये तो अभी बताया आपको क्या लिखेंगे log x, अगर आपको 1 बाय मान लीजिए x plus 2 मिला, इसको बनाने का और एक मैचअप करेंगे, मैं आपको आज जो बताने की कोशिश कर रहा हूं पहले आपको समझ लीजिए कि यहां x plus 2 लिखा है, x plus 2 लिखा है, तो अभी हम इसको ये समझ सकते हैं कि x है, ठीक है, क्या है x, तो ये dx by x का फॉर्मूला क्या होता है log x, क्यों x समझ रहे हैं हम, तब तक इसे x मान सकते हैं जब तक पर्टिकुलरली x के ऊपर पावर ना हो, अगर होल स्क्वायर होगा चलेगा, ठीक है होल स्क्वायर होगा तो पूरे पर पावर समझा जाएगा, लेकिन अभी x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो कैसा बिहेव करेगा x की तरह, आंसर क्या होगा log x plus 2, ठीक है, अब आप देखो एक इंटीग्रेशन 1 by x square, अब आप सोच रहे हो log x square लिखेंगे, नहीं अगर x के ऊपर पावर है log कभी नहीं लगेगा, याद रखना log नहीं लगेगा, इसे बनाने के लिए हमें x to the power minus 2 लिखना होगा, इसको ऊपर लेके गए और आप बनाओगे n plus 1 by n plus 1 plus c, आंसर इज i इज इक्वल टू माइनस 1 बाय x प्लस c, तो आप याद रखो 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय x, लॉग कभी मत लगाना, ठीक है, और कुछ बेसिक रूल्स, पावर रहेगा तो लॉग नहीं लगेगा, आज बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहे हैं, आज बिल्कुल छोटे क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको, चलिए i इज इक्वल टू मान लो, अब देखो मैं काम करता हूं एक क्वेश्चन लेता हूं 1 बाय x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये ताकि इन दोनों का जो मैंने आपको भी सिखाया इसका यूज करो, x प्लस 3 होल स्क्वायर है तो x के ऊपर पावर है क्या, नहीं ना, तो जब x के ऊपर पर्टिकुलरली मतलब वेरिएबल के ऊपर पर्टिकुलर पावर नहीं है तो हम इस पूरे टर्म को क्या मान सकते हैं x, तो अगर ये पूरा x है तो ये x स्क्वायर लिखा हुआ है तो फिर ये फॉर्मेट लगेगा क्योंकि लॉग तो लगाएंगे नहीं क्योंकि पावर तो है ना कुछ ना कुछ,
तो ये कैसे बनेगा, ये ऊपर जाएगा x प्लस थ्री टू दी पावर माइनस टू, फिर x प्लस थ्री टू दी पावर कैसे बनेगा माइनस टू प्लस वन बाय माइनस टू प्लस वन प्लस सी। आप देखो ये माइनस वन आएगा, हमने माइनस वन को ऊपर लिख दिया, यहां माइनस वन आएगा तो इसको कहां लिख दे रहे हैं नीचे, क्योंकि किसी के पावर माइनस वन आता है तो उसको कहां लिख सकते हैं नीचे। तो ये मैंने इन दोनों का यूज करके आपको सिखाया कि अगर पर्टिकुलर एक्स का पावर नहीं है तो पूरा टर्म कैसा बिहेव करता है एक्स की तरह। दूसरा कि अगर पावर है कहीं पर भी लॉग नहीं लगाना है, ऊपर लेके जाना, इंटीग्रेट करना। देखो एक बात समझो, जब इसको तुम तीन चार बार प्रैक्टिस करोगे चीजें अपने आप दिमाग बैठ जाएंगी, ऐसा दिखेगा ऐसा करना, ठीक है। ये रूल्स हैं, ये बेसिक्स हैं, ठीक। चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। फिर इन सबको कंबाइन करके भी एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल अभी बताने जा रहे हैं, वीडियो पॉज करके बार बार नोट कर लेना जब भी एक बताए। जैसे देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो अगर कभी भी साइन टू एक्स को इंटीग्रेट करना तो साइन का जैसे माइनस कॉस वैसे साइन टू एक्स का भी माइनस कॉस टू एक्स प्लस सी, तो तुम समझ ही रहे हो लिखना है। लेकिन अब देखो इंटीग्रेशन करने के बाद ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, मेन वेरिएबल के साथ अगर कोई भी कोफिशियंट होगा तो वो कोफिशियंट नीचे जरूर आएगा पूरे डिवाइड में, पूरे डिवाइड में। तुम चाहो तो बाहर माइनस वन बाय टू लिख सकते हो या होल डिवाइड, टू एक्स के नीचे मत लिख देना। जैसे मान लो कि अगर कॉस टू एक्स इंटीग्रेट करने मिले तो रिजल्ट क्या होगा, साइन टू एक्स बाय टू प्लस सी। कैसे, समझ रहे हो ना, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो कॉस टू एक्स का साइन टू एक्स होल डिवाइडेड बाय टू। अगर तुम्हें sec स्क्वायर 2x इंटीग्रेट करने को मिले तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, पहले फॉर्मूला याद करना, sec स्क्वायर x का tan x होता है तो sec स्क्वायर 2x का भी क्या होगा tan 2x, और बाय में क्या लिखेंगे 2 प्लस c। इंटीग्रेशन करने के बाद इस लाइन में आंसर में इंटीग्रेशन करने के बाद जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में अगर x या जो मेन वेरिएबल जो भी हो x y z कुछ भी हो के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो नीचे डिवाइड में जरूर लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, मान लो कि ये हमारा आ रहा है dx / 2x + 3, ये क्वेश्चन है। अब याद करो जो भी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था कि dx / x + 2 था, तो क्या लिखा था हमने log x + 2। ये बोलते हुए कि x के ऊपर अगर पावर नहीं होगा और होल स्क्वायर भी नहीं है, होल क्यूब भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर ऊपर ले आने की जरूरत नहीं, तब तो लॉग लगा सकते हैं। लॉग कब लगा सकते हैं, ना तो होल पावर हो ना तो इस पे पावर हो, पावर कहीं नहीं होना चाहिए तब लॉग लगेगा। तो अगर ऐसे सिचुएशन में लॉग लगेगा तो पावर तो यहां भी नहीं है, तो लॉग यहां भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। लॉग ऐसा लिखे 2x + 3 + c, लेकिन तुम्हें क्या बताया, अब इस रूल पे आ जाओ, ये तो पीछे का रूल था तुमने लगा दिया, लेकिन जब कभी भी तुम इंटीग्रेट करोगे तो मेन वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट होगा नीचे उतारना है। तो जब हमने इंटीग्रेट किया ये रिजल्ट आया, तो मेन वेरिएबल कौन है x, और x के साथ क्या लिखा है 2, तो हमें होल डिवाइडेड बाय 2 लिखना होगा, या फिर तुम यहां भी 1 बाय 2 लिख सकते हो। समझ में आ रही बात। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो dx / 3x + 4 का क्या ले लिया होल क्यूब। अब याद करो कि अगर होल क्यूब या होल स्क्वायर तो लॉग नहीं लगा सकते। इस वीडियो को ना बहुत आराम से देखना, एक एक चीज सुनना, बनाना, देखना, बनाना, देखना, बनाना, ऐसे ऐसा नहीं पूरा वीडियो एक बार में देख जाना, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। जैसे एक बताया उसको सॉल्व करना थोड़ा रोक करके, जैसे दो तीन, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन है ना सॉरी तो दो तीन क्वेश्चन देखना उसको सॉल्व करना पॉज करके, फिर दो तीन क्वेश्चन देखना उसको पॉज करके सॉल्व करना, और तीन चार बार प्रैक्टिस करना। तो ये तो ऊपर जाएगा ना 3x + 4 होल टू द पावर माइनस 3, ठीक। अब कैसे बनेगा ये 3x + 4 टू द पावर माइनस 3 + 1 / माइनस 3 + 1 + c। ये क्या बताया, याद करो, याद लिखते हैं कि dx / x + 2 का होल स्क्वायर था, तो याद करो ये ऊपर चला गया, तो लॉग तो लगाएंगे नहीं, अगर कहीं पर भी पावर है लॉग नहीं लगेगा, वो कहां जाएगा ऊपर, फिर इंटीग्रेट करना अगर ऊपर ले जाने लायक हो तो, मतलब होल स्क्वायर होल क्यूब ऐसा रहेगा तभी तुम ऊपर लेके जा सकते हो।
ये तो एल्जेब्रिक आइडियाज है तुम्हारे अपने, तो हम तो ऊपर लेके गए इंटीग्रेट भी कर दिए, लेकिन जैसे ही हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हम क्या देख रहे हैं कि इस एक्स के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है, थ्री, तो हमें थ्री नीचे उतारना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे, वन बाय थ्री इंटू, जैसे यहाँ लिखा वन बाय टू इंटू, इंटू नहीं लगाया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस फोर टू दी पावर माइनस टू बाय, यहाँ क्या आ रहा है, माइनस टू इंटू थ्री, क्या होगा माइनस सिक्स प्लस थ्री, इसे लिख सकते हैं माइनस वन बाय सिक्स इंटू थ्री एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये माइनस हमने ऊपर लिख दिया पावर माइनस टू था तो नीचे लेके आ गए, ये सब तो जनरल सॉल्विंग है यार, तुम्हें आने चाहिए, इतना डिफरेंशिएशन बनवाए हैं, प्रैक्टिस रहना ही चाहिए, और आज हम आपको कोई क्वेश्चन नहीं बता रहे, बस आज आपको इंटीग्रेशन से थोड़ा जान पहचान करवाए, जो बताया इसे प्रैक्टिस करो, इसे याद रखो, अगले दिन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले आज आपको जो भी चीजें बताई हैं वो सब आपको याद रखनी चाहिए, तो इसे ना चार पांच बार प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं है कि इसे बनाने का और मेथड नहीं, मेथड्स हैं, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन में ये छोटा पार्ट आएगा तो हम लोग उसको इसी तरीके सॉल्व करेंगे, इसलिए तो मैं बता दिया, तो चार पांच बार इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि याद हो जाए, फिर हम लोग इंटीग्रेशन के 7.1 में मिलेंगे, फॉर्मूला लर्न करो, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा, इंटीग्रेशन सबको प्रैक्टिस करो, तभी इंटीग्रेशन में कमांड हो पाए, ओके, थैंक यू।